अबू हमारे क्यों होते वो? अरे सॉरी आपके अबू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अबू नहीं है वो, आपके अबू हो सकते हैं। ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है। ये देखो ये जो आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही है। इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, केले के पत्ते। अरे आप मुसलमान मन की चार शादी तीन शादी का समर्थन करती है नहीं करती? हंसने से आप क्या पर्सनल मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डॉक्टर रिजवान अहमद के कुछ मजेदार वीडियो क्लिप, जिन्हें देखने के बाद आपको आनंद की अनुभूति होने वाली है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं आप, सन 70 सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इदारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। ये सब साफ सब वहीं जाके जकात लेके तो आते हैं। अब्बू कौन है? एक मौलाना 12-12 हज करता है। शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अगर वो इतने बड़े तुम्हारे अब्बू हैं और वो इतने बड़े अब्बू हैं कि तुम उनके इजाजत के बिना हज तक नहीं कर सकते, अगर वो तुम्हें वीजा ना दें, इतने बड़े वो तुम्हारे अब्बू हैं। आई बात समझ में? उनकी जकात पर पले हो, उनकी जकात पर पले हो। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सॉरी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं वो रिजवान साहब। और आप तो हंसकर और ये बातें करते हैं ना, आप संजीदा ही नहीं है आप डिबेट में। पता नहीं आपको क्यों बुलाते हैं लोग। आपका नाम लिया? नहीं, आप नाम लिया? नहीं तो मुसलमानों के ऐसे बाप हो सकते हैं वो। सऊदी अरब से हमारा क्या ताल्लुक है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। ये कौन होते हैं हमारे अब्बू बताने वाले? अब्बू इनके होंगे वो। आपका तो नाम नहीं लिया उन्होंने। आपका नाम लिया हाजी? मुसलमानों का नाम लिया? आपका नाम? सारे मुसलमानों का नाम लिया। मस्जिदों में पैसे की बात बताई? काम कर। अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं लेता यहाँ पे। हाजी मेरा दिन, आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत फॉल करिए। नहीं नहीं, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे, बस आप शांत हो जाइए। हाजी मेरा दिन, बस हो गया, शांत। मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे, जब मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। अरे गलत सही मैं तय करूंगा, अपनी तय करेंगे, अपनी बात अपनी टर्न, यानी कि आप नहीं, आपको कोई नहीं बोलने देगा, फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अरे आप कौन होते हैं तय करने वाले? ठेका ले रखा है क्या धर्म का? क्या ठेका ले रखा है धर्म का? हमने आपने धर्म का ठेका ले रखा है? ये टेंडर कहां निकला था? अब आगे सुनिए, कितना हिस्सा वहां जाता है? अरे इसको बंद करवाओ जी मेरा दी। अरे इसको बचपन करवाओ, यानी क्या तरीका है यार, कहां से जहन पकड़ के लाए हो? माफी चाहता हूं। ओएसी साहब ने ये बोला क्योंकि उस आदमी का इतना कद है जिसपे हम रिएक्शन दे सकते हैं। इस आदमी का इतनी औकात नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि जिस पर हम रिएक्शन दें। ओएसी साहब ने बोला प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करो। ओएसी साहब ने बोला आरएसएस के स्कूलों का सर्वे करो। वाह 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 वाह, तो रुको जरा, सबर करो। अब क्यों हंस रहे हो भाई? आपका नाम थोड़ी लिया भाई। रिजवान भाई आप अपनी बात दे दो। रिजवान भाई आप अपनी बात कहिए। आपकी बात का गलत मतलब क्यों निकालना है? इसलिए कि मैं कुत्ते को भौंकता हुआ देख रहा हूं। जी जी, इसलिए आप क्यों मतलब निकाल रहे हैं? आप साजिद रशीदी, आप गलत जा रहे हैं। आप उन्होंने आपको तो कुत्ता नहीं कहा? नहीं, आप गलत बात है, गलत बात है। आपने कहा कि जूते चप्पल से स्वागत करो, फिर पलट गए, इसका मतलब मारना है। मैंने रिजवान का नाम, अब आप कह रहे हैं मैं कुत्ते को सुन रहा हूं, बोलता हुआ इसलिए हंस रहा हूं, फिर आप पलट रहे हैं। तीसरी बार में सर, फिर इस पैनल में जो जो मर्यादा लांगेगा और आपको जो जो बोलेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैं पहले बता दे रहा हूं। रिजवान जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपके पास अगर मेरे पास भी उस बात का जवाब नहीं है कि जूते चप्पल से स्वागत करने का मतलब कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहां भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर, ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई ये गलत बात, किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई ये गलत बात, मतलब निकालना। नहीं, मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप कैसे कर रहे हैं बेइज्जती कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? आपने मतलब कैसे निकाल लिया? आपने मतलब कैसे निकाल लिया कि बेइज्जती कर रहे हैं? जब रशीदी भाई मतलब नहीं निकाल सकते कि जूते चप्पल से स्वागत का मतलब जूते मारना है, तो सुशांत सिन्हा कैसे मतलब निकाल सकते हैं कि इस डिबेट में अपने काले कुत्ते के भौंकने की तुलना उसके बयान से करना जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप कैसे मान सकते हैं कि यह अनैतिक है? कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कह सकते। पहली बात तो जिसका भी यह बयान है उसको मैंने दिखा दिया कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है इस देश में। अब है ना लाइन पे। मुझे एक बात अमन भाई समझ में नहीं आती,
इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद इतना अकड़ना और बेबुनियादी बातें करने के बाद ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं, या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात, आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई, कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटुआ, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही हैं, ये देखो शहजाद, देखो भाई क्या बात करते हो। बात खत्म कर लूं जी, बिल्कुल बात अमन भाई जी बोलिए सर। ये बहरूपिये हैं, ये नौटकबाज हैं, ये नाटकबाज हैं, जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके पार्टी के हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काती हैं ये लड़कियां, ये नाटकबाज हैं। कितने बार क्लियर करना चाहिए, कितने बार क्लियर करूं, समझ नहीं आता। भांसते हो क्या? बार बार कोई असल मुद्दे पे बात करो ना भाई। मैं बहुत बार जो बोल चुकी हूँ नेशनल मीडिया पे, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूँ। आप हंसना खराब दिख रहे हो, आप जोकर दिख रहे हो, जोकर जोकर। मैं पहले नहीं करती थी, अब पहनती हूँ। मैंने कराटे नहीं छोड़ा, मैं आगे भी देश को रिप्रेजेंट करूंगी, देश के लिए जीतूंगी, पूरी कोशिश करूंगी जीतने के लिए। और बदतमीज आदमी रावण, रावण बदतमीज, शैतान शैतान, लाना तो तुम पर। देखो जोकर हंसता है, जोकर की तरह पागल। एक मिनट, क्या बढ़िया था गुरु। देखिए अमीश भाई, मुझे आज आपकी एक बात समझ नहीं आ रही है, बुरा ना मानिएगा, मुझे लगता है जैसे आपके सीने में दिल ही नहीं है, आप बेदिल इंसान हैं। अरे साहब, 70 साल से एक आदमी कश्मीर का ढोल बजा रहा था, उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है? चीमा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान, इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं इंडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए, इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? केले के पत्ते, फूलों को ले, फूल पेश करने पड़ते हैं बीजेपी को, आरएसएस के पांव को हाथ लगाने पड़ते हैं। भाई क्या क्या करने पड़ते हैं आपको? आरएसएस के पांव को हाथ, बीजेपी को माफिया, केले के पत्ते, केले लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, क्या क्या काम करने पड़ते हैं आपको? मुझे अफसोस हो रहा है, तुम लोग को नंगा कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी का खिलाफत करता हूँ। अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? इमरान खान को केले का पत्ता देंगे, ताकि आरएसएस के हाथ जोड़ देंगे, बीजेपी के पांव पड़ जाएंगे, तो हिंदू आएगा उसके सामने राम राम करेंगे। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं मेरे मुसलमानों को? मुझे मुझे आपका खौफ नजर आ रहा है। इस खामोश, इस हंसी के पीछे एक खौफ है, उस खौफ को देख रही है दुनिया, वो कश्मीर के अंदर भी देखा जा रहा है। समझ रहा हूँ आपका चीमा साहब, आपका खौफ मैं समझ रहा हूँ। आप बैठ गए केला लपेटो, अरे अपने प्रधानमंत्री को दो ये केला, केला केला क्या करना पड़ेगा? केले का पत्ता दो प्रधानमंत्री को। अब हम लोगों को अपनी एक आइडेंटिटी बनानी थी। अब जैसे ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसने लड़कियों को ये नहीं सिखाया कि बेटा आप लोगों को कम से कम क्लास में शुरू के टॉप 5 पोजीशन में कम से कम 2 या 3 पोजीशन पर मुसलमान लड़की आनी चाहिए। हम आपके लिए कोचिंग करवाएंगे, आप पढ़िए, मेहनत करिए, आईएएस बनिए। नहीं, उनको एक अच्छा तरीका मिला मुसलमान की आइडेंटिटी बनाने का, भैया हिजाब पहन लो और हिजाब के नाम पर बवाल कर दो। और जैसे इन्होंने सीए में किया था, ये हर बवाल में कुछ ये शेरनियां पैदा कर देते हैं, शेरनियां। आहा, सीए के टाइम पर एक दादी पैदा कर दी थी, वो दादी दादी का हल्ला मचता रहा, अब इन्होंने ये शेरनी पैदा कर दी। जब यही शेरनी अमीश भाई, यही शेरनी शादी के बाद ये कहेगी कि मैं चाहती हूं कि मेरा शौहर दूसरी शादी ना करे, वो शरिया की गलत बात है, तो ये लोग जो उसको शेरनी बना रहे हैं उसको जूते मारेंगे, जूते।
उसको भाजपा का दलाल कहेंगे, दलाल। यास्मीन, यास्मीन फारूकी कुछ कहना चाह रही है, एक एनालिसिस की है, ये बार बार कैसे बोल रहे हैं, हर कुछ बोले जा रहे हैं, एक एनालिसिस कीजिए, ऐसा करिए, एक टीम बिठाइए और मालूम करिए कि कितने मुसलमान और मर्दों ने शादी कर ली है, चार चार। बात कहां की होती है, लेके कहीं जाते हैं, बात हिजाब की है और बात कहीं की कर रहे हैं, जो बात है उसमें मुद्दे पे बात करिए ना। अच्छा, हिजाब, चार शादियां, तीन शादियां, बात हिजाब की है यहाँ पे और आप चार शादियों पे जा रहे हो। मुझे मुझे आज से ये एनालिसिस चाहिए कि किस किस मुसलमान आदमी ने चार शादियां कर रखी है, मैं मुझे इसका पूरा डेटा चाहिए। मैंने तो दो बोला था, आप चार कैसे पहुंच गई? मैंने तो दूसरी बोला था, आप चार पर कैसे पहुंच गई? बोलने से पहले, अरे मैंने तो दूसरी बोला था, आप चार पर कैसे पहुंच गई? तो मैं तो पांच पे भी पहुंच जाऊंगी। जाइए, आइए, ऐसा करिए, मेरे यहाँ राजस्थान में आइए, मैं आपको बांसवाड़ा लेके चलती हूँ और तब आपको पता चलेगा कि एक एक आदमी के छह छह बीवी है। आइए बात करते हैं, जब पूरा दुनिया भर की आप, पर उसके लिए कानून है। अच्छा अच्छा, आप वो शादी का समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं बताइए? आप मुसलमान मर्द की चार शादी का समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं बताइए? अरे आप मुसलमान मर्द की चार शादी, तीन शादी का समर्थन करती हैं या नहीं करती? नहीं, आपको ऊंचा सुनाई देता है। तो आपने पर्सनल लॉ में इसकी आवाज उठाई? और मुझे वो पर्सनल लॉ में आपने इसकी आवाज उठाई? आप कौन होते हैं? मैं पर्सनल लॉ में आपने इसकी आवाज उठाई? लोग को टारगेट करने वाले हो, बात का जवाब लीजिए, बात का जवाब लीजिए। हंसने से आप क्या पर्सनल लॉ की बात मेरे से क्यों कर रहे हैं, उन लोगों से कीजिए। आप क्या मस्करे हैं क्या जो हंस रहे हैं? क्या कोई मजाहिया ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? आप हम तुम्हारे शजरे की बात करते हैं, तुम शजरा ले जाके मक्का से जोड़ देते हो, शजरा ले जाके मदीने से जोड़ देते हो, कहते हो कि हम ऊंट पे बैठ के हिंदुस्तान आए थे और आज कह रहे हो कि हमारा अरेबिया से मतलब क्या, हम क्या जाने। भाई वाह, अपने आप को आज तक आधा हिंदुस्तानी मानते हो, आधा अरबी मानते हो और आज कह रहे हो कि हमारा अरब से मतलब क्या? कैसे नहीं तुम्हारा अरब से मतलब? अगर अरब से मतलब नहीं है तो कहो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे, बोलो, जवाब दो इस बात का। अरे भाई, तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप? किस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था? ये अजमी हैं, अजमी और अरबी में बहुत फर्क है और हम अजम के लोग हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए और यहीं के उलमा इकराम और औलिया इकराम ने जो है दीन को तबलीग की है। क्या पता है आपको? पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? तो आए ना, आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? अरे भाई, हिंदू थे या नहीं थे? लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और वो शुक्रगुजार हैं कि वो ईमान पे मरे और वो बगैर ईमान की दुनिया से नहीं गए, उनको हिदायत मिली। पूर्वज थे या नहीं थे? और सुन लो, कृष्ण आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए? उनको इस मुल्क राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? दीन के रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? अरे भाई, राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए? अरे भाई, इस मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है, इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए? आपको अरबी नहीं कहता है? आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए? आप जैसे बेवकूफ लोग जो सरकार की दलाली करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, वो मुसलमानों पे राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे बताइए? पैदा हुए तो मुसलमान ही नहीं हो। देखिए देखिए, रिजवान अहमद क्यों लिखते हो भाई साहब? अरे तुम जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है और पूरा देश जानता है कि तुम जैसे लोग मुसलमानों के मुनाफिक हो, उबै बिन खल्फ हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मुनाफिकिन थे। देखिए देखिए, यहाँ पर उन्होंने माना कि उनके वो नबी थे, लेकिन लेकिन मैं देखिए, आज आपने मान लिया कि आपका अरब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए मैं रुक करता हूँ। तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।